धर्मेंद्र गिरी जी पे हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र गिरी महाराज हिंदू धर्म गुरु हैं। मैं आप ही के पास आती हूँ। धर्मेंद्र गिरी जी, जिस तरीके से एक कार्यक्रम आज हुआ है, इससे पहले शायद नहीं हुआ होगा, खासकर मीराबाई को लेकर इस तरीके का कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, राजनीति से इतर हटके अगर इसे देखा जाए, क्योंकि हर एक इवेंट जो होता है उसमें राजनीति खोजी जाती है जब कोई राजनीतिक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो, ये कितना ज्यादा बेहतर है एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए? देखिए, राजनीतिक गलियारों की चर्चा कुछ भी हो, लेकिन इसको धार्मिक, जिस जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, अगर उसके अनुरूप मैं जवाब अगर दूं, तो पहला तो यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि देश के किसी पहले प्रधानमंत्री ने आज जन्मभूमि दर्शन किए, शायद मेरे जानकारी में ऐसा पहले कभी किसी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किसी ने दर्शन नहीं किया, तो ये एक ऐतिहासिक दर्शन आज देश के प्रधानमंत्री ने किए हैं। और जहां तक अब धार्मिक चर्चा अगर है, तो उसके अनुरूप सबसे पहले तो बात यही है कि पिछले दिनों, यानी कि मैं बहुत लंबे इतिहास की बात कर रहा हूँ, महाभारत काल के बाद की बात अगर करूं, तो ये जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको पुनः जीवांत करने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी के द्वारा जो किया गया है पिछले 9 सालों में, तो ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि आपने अभी कहा ना कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, तो धर्म तो हमारा एक ही है और सभी का धर्म वही है, और धर्म सनातन सबको जानता है कि कौन क्या है। लेकिन जिस प्रकार जो सरकार के कदम है, जो उचित कदम है, सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, कहीं कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं है, कोई मानवीय हानि नहीं है, और इस सरकार का जो मकसद है वो सिर्फ जो पूर्व का इतिहास है उसको सही तरीके से कानूनन उसको पुनः स्थापित करना है, भले ही वो अयोध्या का रहा हो, भले ही वो काशी का रहा है या मथुरा का रहा है। आज कॉरिडोर अगर बन रहा है तो हाईकोर्ट के आदेश पर बनने जा रहा है। सरकार को अगर बनाना होता तो जब पिछले साल वहां पर जन्माष्टमी पे जो दुर्घटना कैजुअल्टी हुई थी, तो हत्या मतलब मौत हुई थी, तो तभी वो सरकार फैसला दे देती। लेकिन सरकार ने अपने हाथ में कभी कुछ नहीं लिया, सिर्फ नियमानुसार जो नियमावली है उसके अनुरूप सरकार काम कर रही है, और सभी के समर्थन से ये कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 वर्ष में भारत को जो ऐतिहासिक एक धरोहर के रूप में जो संस्कृति पुनः स्थापित होगी, वो देशवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, और बहुत ही जल्द ये सब देशवासियों को देखने में मिल रहा है कि जिस संस्कृति के अनुरूप अगर हम बात करते हैं धर्म की, तो उसके हटके जो सत्य स्थापित किया जा रहा है वो सबसे बड़ी बात है। जिस सत्य को मोदी जी स्थापित कर चुके हैं और भविष्य में करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है, वो सनातन की जीत है, और बहुत जल्द हमको आगे उसका भी परिणाम देखने को। बिल्कुल ठीक है। विजय उपाध्याय जी का भी हम रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय उपाध्याय साहब, बहुत बारीकी से सर आप तमाम चीजों को देख पा रहे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप हमें समझा भी पाएंगे एनालाइज करके कि आखिर ये जो हम विजुअलाइज देख रहे हैं, जो भी तस्वीर सामने आ रही है, जो चीजें चल रही हैं, वो भविष्य की रणनीति के तहत है कि वाकई ये श्रद्धा भाव है? देखिए, एक तो भारत की राजनीति में, चूंकि यहाँ डेमोक्रेसी है और चुनाव में जीत के लोगों को सरकार बनाने का मौका मिलता है, और जो राजनीति में होता है उसका एक ही लक्ष्य होता है सत्ता में आना, तो हर राजनीतिक दल हर समय अपने को मजबूत करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो। तो जब कोई रूलिंग पार्टी में है तो उसको थोड़ा सा प्रिविलेज है कि सरकारी कार्यक्रमों में या कोई इवेंट है बड़ा, उसमें भागीदारी का मौका मिलता है, तो हम उसे राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। मीरा का 525वां उनका जो वर्ष है वो आज ही के दिन पढ़ना था, ये तो पहले से तय था, चुनाव भी इसी में पढ़ना था, ये तो किसी को पता नहीं था आज से कुछ महीने पहले, या अगर 5-6 महीने पहले कहें तो। इसको कनेक्ट करके देखा जा सकता है कि राजस्थान में चूंकि मीरा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं, मीरा के भजन घर घर गाए जाते हैं, बहुत सम्मान है मीरा का, तो निश्चित तौर पे इसको जोड़ के देखने की गुंजाइश है और लोगों को देखना चाहिए, कोई इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता देखने से। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये मीरा को समर्पित है और मीरा कहीं से पॉलिटिक्स करती हुई नजर नहीं आती, वो भक्ति काल की शीर्षस्थ संत हैं या रचनाकार हैं और एक आध्यात्मिक चेतना उन्होंने दी, भगवान का जो कृष्ण के प्रति उनका जो समर्पण था, राधा और मीरा दो सबसे ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और जो ये आध्यात्मिक प्रेम है उसके उससे जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। अब ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में और मथुरा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में है,
राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने के नजदीक तिथि आ रही है, तो ये इसको देखा जा सकता है। लेकिन देखिए, कोई भी हर पार्टी का अपना एक सेट एजेंडा है। कुछ लोगों को लगता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें फायदा होगा, कुछ लोग को लगता है हम ये काम करेंगे तो ये फायदा होगा, और इसी हिसाब से लोग अपने कार्यक्रम तय करते हैं। आमतौर पर बात सही है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करने गए, लेकिन अजमेर के गरीब नवाज जिन्हें कहा जाता है, वहां तो बहुत से प्रधानमंत्री गए हैं। तो ये चीजें बदलती रहती हैं, आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, या जब मुख्यमंत्री भी थे तो भी वो मंदिरों में जाते रहे हैं, और मंदिरों में जाने से उन्होंने कभी परहेज नहीं किया है। हाँ। और चादर भी भेजते रहे हैं जहां पे जो सूफी संतों की है। तो क्या चादर भेज देने से हम ये मान लें कि नहीं वो सिर्फ मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? एक परंपरा भी है कि जो देश का प्रधानमंत्री वो सभी वर्गों धर्मों का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो सभी को सम्मान देने की कोशिश करता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूर्ण रूप से देखें तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के कोर सब्जेक्ट में है, और धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस के कोर सब्जेक्ट में है, और वो नहीं इन्वॉल्व होते। बहुत सी चीजों में कांग्रेस नहीं इन्वॉल्व होती, लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस धार्मिक कार्यक्रमों से अपने को दूर करती थी। नेहरू जी भी कुंभ में जाके स्नान किए थे, और बाद में इंदिरा जी भी गई थी, सोनिया गांधी भी कुंभ में जाके स्नान की थी। तो ये चीजें अलग पर्सपेक्टिव से चलती हैं, उसका राजनीतिक उद्देश्य अलग होता है। ठीक है सर। कपीश श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, इस पर बहुत स्वागत सर आपका, जीतू प्रदेश उत्तराखंड पर। कपीश जी, आज प्रधानमंत्री मथुरा पहुंचे, अखिलेश यादव का बयान आता है प्रधानमंत्री एक बार पहुंचे, दो बार पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है सर? क्यों लगता है अखिलेश यादव को या फिर समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? उसके पीछे कारण है जी। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बेरोजगारी हटाने में असफल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से महंगाई हटाने में असफल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश को कर्जा युक्त कर दिया है, 105 लाख करोड़ रुपए का ऋण सिर्फ 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां भारती के छाती पर रखा है, और 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के जो वर्ल्ड बैंक से या अन्य विश्व के बैंकों से मात्र 55 लाख करोड़ रुपए ही लिए थे, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने देखा कि IITs दी, IIM दिया, एम्स दिया, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया, DRDO दिया, भाभा एटॉमिक सेंटर दिया, प्रक्षेपण कर केंद्र दिया, व्हाट नॉट, क्या नहीं दिया इन्होंने, क्या दिया इनमें से कोई एक दिया? इन्होंने तो CST और PST तक तो नहीं बना करके दिए, CSC और PSC तक नहीं बना करके दिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूछिए तो इनसे ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि 105 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने किस जगह पर लगा दिया, रेवड़ी बांटने में, और आप 6 लाख करोड़ रुपए का सालाना जो है वो आप ब्याज भर रहे हैं 105 लाख करोड़ रुपए का, और जिसके लिए आप सरकार की 23 कंपनियां बेच दे रहे हैं, और आप राजस्व घाटा की पूर्ति जो है वो आप पूर्वजों की कमाई हुई कमाई से कर रहे हैं बेच बेच करके, और AC लगा के किराए के मकान में और TV लगा के आप कहते हैं कि आपने विकास कर दिया, वो कहां है पुरानी पेंशन, वो कहां है सब्सिडीज, जब भारत देश कहने के लिए कहते थे लोग कि हम कमजोर मुल्क हैं, हम आर्थिक रूप से विपन्न मुल्क हैं, उस समय हमारी सरकारें ये देती थी, और उसके बाद भी DRDO और ISRO जैसी संस्थाएं बनती थी, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? तो प्रधानमंत्री जी किसी भी चीज के पीछे छिपना चाहें वो छिप सकते हैं, लेकिन जिस घर में रोजगार नहीं जा रहा है, जिस घर में महंगाई चरम सीमा पे बढ़ी हुई है, जिस विश्व गुरु बनाने का जो सपना है वो 5 किलो के राशन से और शौचालय से पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि 12,000 में आपके अपने लोग जो बांट रहे हैं उनमें से 6,000 कमीशन में चला जाता है, और प्रधानमंत्री जी की इस पर कोई चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1,75,000 रुपए में आप कौन से गरीब को मकान दे रहे हो? 3,75,000 तो हम लोहिया आवास में दिया करते थे, वो भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब थे तब की बात कह रहे हैं।
एक प्रदेश सरकार, हम 500 रुपए जो आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं वो हम 500 रुपए प्रति महीना देते थे किसानों को, वो तो हम एक राज्य सरकार थे और वेलफेयर कंट्री होने के नाते हमने जिस तरीके से 54 लाख महिलाओं को जो है वो महिलाओं को दिया है पेंशन दिया है, जिस तरीके से कन्या विद्या धन दिया, जिस तरीके से 19 लाख लोगों को हमने लैपटॉप देने का काम किया, तो इसको कहते हैं विकास का काम। अगर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर वाट नाट क्या नहीं दिया, आज जो मेट्रो चल रही वो भी सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। आगरा एक्सप्रेसवे विश्व मानक पर खड़ा होने वाली एक सड़क है जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिया, विश्व स्तर पे खड़ा करने वाला एक कारण है जिसका नाम इन्होंने बदल के।